अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं जा रही हूँ मेरी बेटी के घर, मेरी बेटी को डिलीवरी आने वाली है, इसलिए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुकी हूँ आप सबकी दुआओं से, बहुत खैरियत से, अमन अमान से। और मैं आ गई हूँ यहाँ बाजू पर। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में बहुत तकलीफ़ पड़ी। मेरा रास्ता कैसा कटा, हमको कैसा सफ़र में कितनी मुश्किल चढ़ी, तो देखते रहो मेरी वीडियो पूरी देखो। तो ये देखो रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ, चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सबसे पहला चेक पॉइंट था जहाँ हमारी पुलिस चेकिंग हुई थी, फिर मैंने बाद में बहुत सारी चार पकड़ हुई लेकिन मैंने वो क्लिप नहीं बनाई। तो हमारी ऐसी तो बहुत सब चेकिंग हुई लेकिन मेरे को ज़रूरी नहीं लगा और मेरा कुछ मूड नहीं है। आज मैं बिना मूड के वीडियो बना रही हूँ, बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं हो रहा है कि मैं कोई भी क्लिप्स, फिर भी मैं देखो आ चुकी हूँ मेरी बेटी के घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो बस आ गई मैं और मैं आज कुछ समझ नहीं पड़ी कि मैं आज क्या बोलूँ क्या। मिस्टर खान बिना मेरे को वीडियो बनाने की अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी बेटी का घर आ चुका है, चलो तो फिर घर में मिलते। इसका मतलब है कि दरवाजे को छूना नहीं है, इसको कपड़े से खोलना है। तो मैं पूछ चुकी हूँ मेरी बेटी के घर, और अगर मेरी बेटी का घर देखना चाहते हो तो बहुत सारे कमेंट होंगे तो ही मेरी बेटी का घर बताऊंगी, वरना मेरी बेटी का घर में नहीं बताऊंगी। आज क्या पता मेरे को क्या हुआ है, मेरे को वीडियो बनाने का जरा भी मूड नहीं है, बिना मूड के मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पता नहीं आज की मेरी वीडियो कैसी होगी, इसमें आज मैंने सब चीज़ कट 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 करके बनाई है। तो प्लीज़ आज थोड़ा मूड नहीं है मेरा, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है या थकान के वजह से। तो मेरी बेटी की अभी देखो मैं किस तरह से, मेरी बेटी में खून नहीं है, न मैं खून के लिए आई हूँ, तो मेरी बेटी के लिए ये खून बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है घरेलू उपचार। मैंने बीट को अच्छे से टुकड़े कर लिए और अब ये मिक्सी में इसको पीस के मैं इसका जूस बनाती हूँ बीट का। तो जूस के भी बदन में खून नहीं है और डिलीवरी होने वाली है तो, और खून के बाटल चलाने का है तो बच्चों को पहले से ये बीट इसको इसका जूस पिलाओ तो इससे एकदम खून बढ़ता है। देखो तो मैं इसमें क्या करती हूँ, नींबू भी निचोड़ती हूँ थोड़ा टेस्ट के लिए ना, विटामिन डी भी मिलता है इससे, विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है तो विटामिन डी। और डाला और इसका जूस के अंदर देखो पानी डाल के ये खून इस तरह से, तो इससे इतनी जल्दी खून बढ़ता है। ये वीडियो में नहीं बनाने वाली थी लेकिन कल हमने ये पिया और कल पीने इसके बाद मेरी बेटी के हाथ सफ़ेद थे तो लाल होने लग गए थे, और मैंने भी पिया था कल तो मेरे भी हाथ लाल हो रहे हैं, मेरे अंदर भी बिल्कुल खून नहीं है, माँ बेटी में बिल्कुल खून नहीं था। तो इससे खून आता है, ये तो अभी मेरा इसके वाला हाथ है, ये वाला तो, और ये वाला भी हाथ देखो लाल है एक दिन में। तो इंशाल्लाह सब दुआ करना मेरी बेटी के लिए कि मेरा ये घरेलू उपचार काम आ जावे और मेरी बेटी को खून की जरूरत ना पड़े। तो आप सबसे दुआ करना मेरी बेटी के लिए कि मेरी बेटी को खून की जरूरत ना पड़े, आसानी से साथ मेरी बेटी को बेबी हो जाए, और हमारे लिए खूब खूब सारी दुआ। ये दूसरी टिप्स है खून बढ़ाने के लिए, दिखा खजूर कप में मैंने 4 से 5 खजूर डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजवा खजूर होए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये अजवा है तो ये अजवा खजूर है, पर नॉर्मल खजूर होएगी तो भी चलेगा, उसमें 1 कप दूध। अब इसको क्या करूँगी, रात भर
खजूर को भिगो के फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह में इसको नार्म वो पीने का, तो इससे भी खून एकदम जल्दी आता है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करो। और खून बढ़ाने का अपने बच्चों को अभी कोरोना में दवा ने बाहर का खून की बोतल अल्लाह ना चढ़ावे कोई बच्चों को भी, तो इस तरह से घरेलू उपचार करो। इससे जिस भी खवातीन में खून की कमी हो तो प्लीज़ अभी से डिलीवरी से पहले 2-4 दिन पहले भी इस तरह से दूध और बीट को चालू करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बेबी के अंदर खून आ जाएगा ना। आप लोग मेरी बेबी के लिए खास दुआ करो कि मेरी बेबी को खून की बार की जरूरत ना पड़े, और मैं घरेलू उपचार करती हूँ तो अल्लाह पाक के घरेलू उपचार में शिफा देवे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची के लिए प्लीज़ प्लीज़ खूब सारी दुआ करियो कि खून की जरूरत ना पड़े, इस सब चीज़ से खून आ जावे। तो मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि मेरी बेटी को खून की जरूरत ना पड़े और मैं घरेलू उपचार करती हूँ, उससे मेरी बेटी की डिलीवरी आसानी से और बहुत अच्छे से मेरी बेटी की डिलीवरी हो जावे। तो प्लीज़ आप लोगों से दुआ करना, और ऐसे ही मैं आपको मेरी इंशाल्लाह अगर मेरा मूड रहा तो मैं आपको जानकारी देती रहूँगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ मेरे को मेरी वीडियो को लाइक करो, और अच्छी लगे तो शेयर करो, और नवे है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं जब भी नवी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में आती रहे। तो ये देखो मेरे बेटे, हमने 2 दिन से हमारे को आने को 2 दिन हो गए, 2 दिन से हमने गाड़ी को बारी रखी है, उसको धूप से उसके कीटाणु मर जाए, कोरोना वायरस के जितने भी कीटाणु गाड़ी पे आए वो मर जाए, इसके लिए हमने 2 दिन से गाड़ी को धूप खिलाई है। तेरा टैंक निकाल देने गाड़ी में से, मामा गाड़ी में से टैंक निकाल नहीं गए। और देखो मामा और भांजे की और नानी की स्टोरी सुनते रहो, सुनो। आज तो मेरे को अच्छा लगा, ये मेरे बेटे का टैंक हाउस लेकर आए, और अब मेरा बेटा चढ़ाएगा इसको कवर। 2 दिन बाद गाड़ी को हम कवर चढ़ा रहे ताकि गाड़ी से अटैच हो जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ कमेंट करो कि मेरी वीडियो अच्छी लगती है, नहीं तो मैं फालतू में मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है तो मैं वीडियो बनाना शायद सब छोड़ भी दूँ, क्योंकि कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कुछ नहीं, नूर मिस्टर खान बिना मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड भी नहीं है। तो क्या पता आगे मैं वीडियो बनाऊँ भी या ना बनाऊँ, अगर अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं बनाऊँगी, वरना फिर मेरी लास्ट वीडियो समझ लेना। तो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। और मेरी वीडियो कैसी लगी है, मैं आगे वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, अगर आप मेरे को मोटिवेट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगी, फिर देखती हूँ अल्लाह की मर्ज़ी मेरा मूड कैसा रहता है। लेकिन मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है, मिस्टर खान के बिना मेरे को वीडियो बनाने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलो, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खूब सारी दुआओं में याद, टेक केयर, बाय।